Hi guys, this is Avinash Mishra and you're watching me on Cine Talkers. सबसे पहले हम सीन के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ घर को मेगा मैनिपुलेट करने का कुछ कहना चाहोगे। वेल कॉन्वर्सेशन बहुत नॉर्मल है बट वहाँ पे मेघा जो है वो थोड़ी टची होके बात करी घर से जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है घर को, तो बहुत नॉर्मली वो जब हाथ पकड़ती है तब हटा देता है, शोल्डर पे हाथ रखती है तो भी थोड़ा सा हटा देता है, तो शी इज़ ट्राइंग टू बी टची टू घर बट घर जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है कि यार नॉर्मली बात कर ले, डॉक्टर है थेरेपिस्ट है तो वो काम कर ले, एंड उतना ज़्यादा शक नहीं कर रहा उसे बट वो एक अनकंफर्टेबल जो होता है एक इंसान वो हो रहा है वो, प्लस वो जब एक मोमेंट पे हाथ पकड़ के बातें करिए उसी वक्त इतली आ जाती है तो वो चीज़ें देखती है वो गुस्सा कर जाती है, एंड ऑलरेडी चीज़ें अभी थोड़ी सही है नहीं गर्भ तितली के बीच तो वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थोड़ी बढ़ जाती है वहाँ पर। वहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि घर जेल में भी हुआ, क्या वेल एक सिचुएशन था जहाँ पे घर को फंसा दिया जाता है, अब एक बुरखे वाली औरत आई थी उसने फंसा दिया था, अब वो अभी पता भी चल रहा है कि वो औरत कौन थी समझ नहीं आया किसी को, कोशिश किया पता करने की बट वो नंबर भी गलत दिया था पुलिस स्टेशन में, तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट सर्च आउट कि वो कौन सी बुरखे वाली औरत थी जिसने घर को फंसाया। वेल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एवरी वीक वी आर इंक्रीजिंग, सो आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने हमें न्यूज़ स्लॉट पे भी एक्सेप्ट किया है, एंड कीप लविंग अस लाइक दिस, विल कीप एंटरटेनिंग यू, थैंक यू।